दरअसल साल 2017 में कांग्रेस नेता रवि शुक्ला ने नगर निगम के एक अधिकारी प्रभु टटवाल की सिंहासन में कामों में हुए घोटाले को लेकर शिकायत की थी। कांग्रेस नेता के द्वारा जब प्रभुराम टटवाल ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर शिकायत लोकायुक्त को की, तब प्रभुराम टटवाल ने द्वेषतापूर्वक कांग्रेस नेता रवि शुक्ला पर जानलेवा हमला करवा दिया गया था। माधव नगर थाना पुलिस ने देर रात उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया है। माधव नगर पुलिस ने सुबह जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें जेल में रवाना कर दिया गया। 2017 का मामला है, रवि शुक्ला इसमें फरियादी है। उसके साथ फ्रीगंज में मारपीट हुई थी, जिसमें विवेचना के दौरान धारा 326 बढ़ाई गई थी। कल दिनांक को प्रभु टटवाल, जो पूर्व रिटायर है नगर निगम से, कल उनको निवास स्थान से गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश किया है। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश के कई जिलों व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त करना है, हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।